तो माशाल्लाह व्यूवर्स, ये देखें ज़बरदस्त मौसम, खूबसूरत सी सुबह और बारिश के बाद ये देखें पौधों को पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतना खूबसूरत लगते हैं पौधे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रुखसाना अनवार और आप देख रही हैं रुखसाना किचन एंड व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज ईद का फर्स्ट डे है, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी आवाज़ से आप लोगों को बहुत चेंजिंग लग रही होगी क्योंकि रात भर हम सोए नहीं हैं, बारिश थी और ईद की तैयारियों में लगे रहे हैं, इसलिए ना सोने की वजह से मेरी आवाज़ बहुत चेंज लग रही है। ये देखिए हमारी गली में ईद की नमाज होगी और उसके बाद फिर कुर्बानी के जानवर ज़बह किए जाएंगे। तो व्यूअर्स, नीचे चलते हैं और मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं, उनकी तैयारी कराते हैं। पहले वो अम्मी की कब्र पे जाएंगे दुआ करने के लिए, फिर उसके बाद ईद नमाज़ पढ़ेंगे और फिर कुर्बानी का सिलसिला। तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह मेरे बच्चे कितना आराम से सो रहे हैं, एक उस साइड पे और एक इस साइड पे। ये सारी रात बारिश में खेलता रहा मेरा बेटा, अब ये सो रहा है। बहुत तेज़ बारिश थी रात का, कोई ऐसी हमने रात को ऑन नहीं किया ना एयर कूलर ऑन किया, बस मैंने ये दरवाज़ा खोल दिया था साइड से तो हवा आती रही है और बहुत अच्छी रात गुजरी है, बच्चे आराम से सोए रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया और सबके कपड़े मैंने रात को ही इस्त्री कर दिए थे, और ये रात को मैं चूड़ियाँ पहन के आई थी, मेहंदी एक हाथ पे लगी है और एक हाथ पे लगाई ही नहीं है, बस बच्चे हों तो फिर ऐसे ही होता है और ये मेहंदी ऐसी, बस एक टिक्की और एक, और ये साथ में मैंने अपना और अपने हस्बैंड का नाम लिखा है। ये हो नहीं सकता कि मैं मेहंदी लगाऊं और अपने हस्बैंड का नाम ना लिखूं तो व्यूअर्स, फाइनली मेरे हस्बैंड रेडी होके आ गए हैं और अब ये ईद नमाज के लिए जा रहे हैं और वापसी पे आएंगे तो फिर इनको मीठा देंगे हम। तो फ्रेंड्स, मीठे में मैंने बनाया है शीर खुरमा जो मैंने रात को ही रेडी कर लिया था, और चने भी मैंने रात को बॉईल कर लिए थे, तो अभी चलते हैं चाट बनाते हैं जब तक मेरे हस्बैंड और अब्बू जी नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर हम चाट तैयार करते हैं और चाय बनाएँगे साथ में। तो फ्रेंड्स, मेरी चाट फाइनली हो गई है तैयार, अगर खानी है तो आ जाएं बिस्मिल्लाह, और इसको हम रख देते हैं फ्रिज में और साथ ही चाय के लिए हम दूध चढ़ा दें। तो फ्रेंड्स, दूध मैंने चूल्हे पे बॉयल होने के लिए चढ़ा दे। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड ईद नमाज पढ़ के आ गए हैं, ईद मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक। और अब्बू कहाँ हैं? हाँ जी, अब आपको क्या पेश करें? अभी आप अबू को आने दे जरा अच्छा ठीक है, बाकी जो कुछ भी बनाए इंशाल्लाह हम सब कुछ खाएंगे। अच्छा, टेंशन ना लें, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, कुछ भी नहीं है हमने आपके लिए बैंगन और आलू बनाए हैं ईद के खास मौके पे। आ गए सर, अब सो जाओ, इधर आओ, इधर आओ, किधर जा रहे हो? ये देखिए मेरा बेटा उठ के आ गया। अच्छा जी, अब अब्बू जी भी आ गए हैं, अब्बू ईद मुबारक। खैर नाल बेटा, खैर नाल। और ये हमारे गफूर भाई हैं और ये है हमारी छोटी सी फैमिली। ये देखिए जी, अजान बाबा ईदी ले रहे हैं बाबा से। क्या हुआ, बाबा ने ईदी दिया आपको? अजान अभी नींद में है। अजान क्या हुआ, क्या हुआ जान?
ये लो खाओ खाओ, नींद ही आई है। अच्छा, नींद में अजान। सूरत भी भूल गया। तो व्यूवर्स, मेरी चाय हो गई है रेडी और मैं तो सबसे पहले पीऊंगी चाय, क्योंकि चाय के बगैर जिंदगी है अधूरी। तो व्यूवर्स, फाइनली गोश्त तकसीम करने के बाद हमने कलेजी बनाई है और अब हम खाना खाने लगे हैं। खाना खाने के बाद फिर हम तैयार होंगे और फिर बाहर कहीं जाएंगे। ये देखिए, मेरी छोटी सी मूंगली भी खाना खा रही है। अरे आते हैं, ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक। ईद कहीं आप हो? आप सब ठीक हैं? आप कहीं कहीं आप हो? ठीक है, आप गरीब कहीं कहीं आप हो? ये आप क्यों कहा? तो व्यूवर्स, मेरा बेटा रेडी हो गया है। हाँ? तो हम निकलते हैं थोड़ी देर बाहर। गाड़ी ने, गाड़ी ने किधर जा रहे हो आप? गाड़ी ने, गाड़ी पे जा रहे हो? और मेरी बेटी रेडी हो के सो गई है, इसको असल में आज चोट लगी है बेचारी को, तो इसको हम उठा लेते हैं। तो व्यूवर्स, हम निकले हैं बाहर और ये हैं अनवार साहब। जी सर, किधर जा रहे हैं? बस जा रहे हैं, कहीं तो जाएंगे। अच्छा, और ये हैं अजान साहब। अजान, ईद मुबारक बोलो सबको। जा रहे हैं। किधर जा रहे हो आप? बहना। और ये है अजान की बहना। कब आते हैं? गर्मी तो बहुत ज़्यादा, बारिश भी तो है लेकिन सामान है ना, लगातार बारिश लगी रहे तो फिर तो अच्छा। क्या खाओगे आप? ये तो चारे ही मिठाई खाओगे। व्यूअर्स, ये रावणपिंडी की मशहूर मिठाई की शॉप है और यहाँ से हम मिठाई लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त मिठाई होती है इनकी। कौन सी है? ढाका सुई। तो फ्रेंड्स, हमने पार्क में जाना था लेकिन हम नहीं गए, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए हम मिठाई लेके और थोड़ा बहुत बाहर घूम के वापस जा रहे हैं घर। फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह मरिया इस साइड पे निकलेंगे। इधर तो बहुत गर्मी है पिंडी साइड पे। तो फ्रेंड्स, ज़बरदस्त से व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।